जूही जी आ गई मुस्कुराते हुए। जूही जी आती हैं एक बाहर की तरह आती हैं डिबेट में, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, वार तीखे करती हैं, लेकिन जूही है। हाँ जूही जी, चलिए यहीं से शुरू करता हूं। आज मुश्किल है आपके लिए ये डिबेट, और इसलिए क्योंकि बीजेपी ने निकाले हैं अखिलेश यादव के पुराने बयान, जिसमें अखिलेश यादव पत्रकार की जाति पूछ रहे हैं। एक बार नहीं बल्कि दो दो बार, दो दो वीडियो वायरल हैं जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों की जाति पूछ सकते हैं, तो बीजेपी कह रही है हम राहुल गांधी की जाति क्यों नहीं पूछ सकते। मानक जी, मुख्यमंत्री पद के बाद ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर को गंगा जल से धुलवाया था। जब वो मंदिर गए थे कन्नौज, उसके बाद वो मंदिर भी धुलवाया गया। और एक तरह से एक मुख्यमंत्री, एक सांसद रहे हुए व्यक्ति को बैकवर्ड, जो ये कहते हैं ना कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि जाति पूछकर क्यों, मुझे लगा कि ये गाली दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरह का वातावरण तैयार किया। संसद में क्या ये मर्यादा है? क्या अनुराग ठाकुर जी कोई जाति जनगणना करवा रहे थे कि किसी की जाति वो पूछ रहे थे? संदर्भ में हर चीज को लेना चाहिए, और संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को अब ये बताना चाहिए कि क्या वो जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हर जाति का अधिकार है। हमें पद, हमें एहसान नहीं चाहिए, आप हमको गिन लीजिए, आप हमारे नंबर के अनुसार हमारा अधिकार दे दीजिए, ये तो संवैधानिक है, संविधान में लिखा है। तो इसमें यह कहना कि हमने सम्मान दिया था, रहने दीजिए, संविधान से हमारा अधिकार मिलता है, भारतीय जनता पार्टी पर हम निर्भर नहीं है। बात है कि फिर ओबीसी, बात है एससी, बात है एसटी, आप किसको कितना आरक्षण दे रहे हैं ये बहुत क्लियर है, और आपके समय समय पे विभिन्न जनप्रतिनिधि आरक्षण के बारे में क्या कर रहे हैं और कह रहे हैं ये भी तथ्यात्मक है। आपके खुद के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर बोलते हैं कि मुझे डिपार्टमेंट के वाइज आरक्षण मिला है कि नहीं मिला है, इस पर अवगत कराया जाए। संजय निषाद कहते हैं आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। अनुप्रिया पटेल कहती है कि हमें आरक्षण का लाभ हमारे समाज को नहीं मिल रहा। साथ ही अगर आप देखें, 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी, आज तक लंबित है क्योंकि 6,800 लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। थोड़ा तथ्यों पे बात कर लें, समाजवादी पार्टी हमेशा से चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं देना चाहती। बाकी आज कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय का केवल यही एक मापदंड है जो निष्पक्ष होगा, इसलिए हम चाहते हैं। बाकी आज कांग्रेस पार्टी अगर हमारे साथ खड़ी है और उन्होंने अपना स्टैंड रिवाइज किया है, बहुत बढ़िया। मैं यही सुनना चाह रहा था, बाकी मैं यही सुनना चाह रहा था। जूही जी खड़ी खड़ी कह देती है। हाँ, बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। एक और चीज, जी हाँ। एक और चीज मानक जी, 1947 में हमको स्वतंत्रता मिल गई, अब ये हम अपना 78th स्वतंत्रता दिवस निभाने जा रहे हैं, तो कब तक ये राग अलापा जाएगा कि किसने क्या किया, किसकी सरकार रही? पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उससे ज्यादा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से आपकी सरकार है। थोड़ा अपने बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा बोली, लेकिन आपने मेरे सवाल को देखिए गच्चा दे दिया। गच्चा चल रहा है ना आजकल यूपी की पॉलिटिक्स में, आपने मेरे सवाल को भी गच्चा दे दिया। मैंने सीधा सवाल किया, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों की जाति पूछ सकते हैं, तो बीजेपी कह रही है अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की जाति क्यों नहीं पूछ सकते? जातिगत जनगणना का मुद्दा जो उठा रहा है वो अपनी जाति क्यों नहीं बता सकता? अब मुझे अच्छा लगा कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आइडियल है और उनका अनुसरण करना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। उन्होंने किसी और संदर्भ में मीडिया वालों की जाति पूछी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी हमको, क्योंकि हम 37 सीटें जीते हैं, अयोध्या जीते हैं, जाति एक ही संदर्भ में पूछी जाती है, जाति आपको भी पता है एक ही संदर्भ में पूछी जाती है। मानक जी, संदर्भ अलग अलग होता है, स्थितियां अलग अलग होती है। मैं कह तो रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने आप को इंटरनली जस्टिफाई करना चाहती है अनुराग ठाकुर के स्टेटमेंट को, तो बार बार शर्म की बात हो रही थी, मुझे लगता है उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ओके,